हेलो ट्रेडर, सो आज आपका दिन कैसा गया? आपने पॉजिटिव में एंड किया कि नेगेटिव में एंड किया? क्योंकि यहाँ पे मार्केट आज साइडवेज थे, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और फाइनली, और ये मेरे को पहले नीचे कमेंट करके बता दीजिए, और आप क्या कल के लिए क्या लेके गए हैं, कॉल और पुट, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। और यहाँ पे फाइनली आज जो हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने 18,000 तो क्रॉस किया, प्लस साथ ही साथ क्या है, क्लोज भी यहाँ पर 18,000 के ऊपर दे दिया। तो मतलब यहाँ पे जो है वो मोमेंटम बहुत ज़्यादा कैरी हो रहा है। और जो FII का जो आंकड़ा है, FII का जो आंकड़ा है जिन्होंने बाइंग की है, वो 4,000 प्लस करोड़ की यहाँ पे हमें बाइंग का जो डेटा है वो आया है। तो इसी के साथ मतलब मोमेंटम इज स्ट्रांग है, बट आगे क्या है, बहुत बड़े बड़े जो इवेंट्स है वो लाइनअप है। तो अभी काफी लोगों को क्या लग रहा है, यार सर मार्केट इतना ऊपर आ गया तो मार्केट कब गिरेगा? ठीक है, आइए आप लोगों को एक यहाँ पे एक चीज सिखाऊंगा। अगर वो चीज पसंद आई होगी तो दिल से लाइक कर देना ये वीडियो को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी मार्केट जब भी शूट करता है तो जहां से शूट करता है वो बेस बनाता है, तो जहां से वो बेस बनाता है वो उसका सपोर्ट हो जाता है। तो अगर मैं सेलिंग भी हम लोग प्लान करते हैं तो हम लोग क्या है 17,950 के नीचे ही हम यहाँ पे प्लान करेंगे। अगर इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो हम लोग ऑब्वियसली ये 17,900 और ये जो गैप है वो यहाँ पर जो पूरा है वो फिल होता हुआ यहाँ पे हमें दिख सकता है, ठीक है। तो मतलब हमारा नीचे का टारगेट तैयार है कि अगर लेट सपोज कि कल, हाँ अगर कल गैप डाउन भी हो गया और इसके नीचे हो गया तो भी वो नेगेटिव ही माना जाएगा, राइट, वो नेगेटिव माना जाएगा, बराबर। तो इसके मतलब क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ है, अभी मार्केट के पास क्या है 18,000 का यहाँ पे मार्केट के पास यहाँ पे एक है। तो अगर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे हम लोग प्लान करेंगे 18,080 और 18,140, ये सारे जो लेवल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर प्राइस एक्शन जो देखने मिल रहा है वो प्राइस एक्शन इस हिसाब से देखने मिल रहा है, राइट। तो अगर लेट्स सपोज कल गैप अप भी खुल जाता है इसके पास में तो हम लोग क्या है थोड़ा सा रिट्रेस करके यहाँ पे जाएंगे। क्यों? मैंने आपको यहाँ पे अभी क्या बताया कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो यहाँ पर लाइंड अप हैं। इसकी वजह से पूरा जो वीक है वो या तो कंसोलिडेट करेगा या तो एकदम बाउंस अप एंड डाउन बहुत रहने वाला है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे आप लोग तैयार रहिए क्योंकि इवेंट्स है इसकी वजह से, और कुछ नहीं। तो लेकिन हाँ, सेलिंग हम लोग कब प्लान करेंगे 17,950, या अब जो कल आगे दो तीन दिन में अगर मार्केट ऊपर बेस बनाता है तो जब भी कोई बेस टूटेगा तो हम वहाँ पर सेलिंग प्लान यहाँ पे करेंगे। मार्केट को पहले इंडिकेशन देने दो। तो इस हिसाब से हम लोग निफ्टी 50 यहाँ पे है कि एक प्राइस एक्शन है, अगर गैप अप खुल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है, अगर गैप अप खुल जाएगा तो गैप अप खुलने के बाद हम क्या है ऐसा ही एक प्राइस एक्शन यहाँ पे एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन खुल जाता है बेस के नीचे तो यहाँ पे थोड़ा जो है हम लोग थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे कंसिडर करेंगे, राइट। तो राइट, इसी के साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या है, एक काफ़ी लंबे रेंज की यहाँ पे तैयारी कर रहा है, राइट। बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर देखोगे ना, अच्छी बात है कि यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो न्यूज़ आएगी, फेड मीट है, जो RBI की MPC है, जो सारी आएगी वो बैंकिंग सेक्टर से लेके आएगी, तो बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। तो अगर, लेकिन अगर इस बार यहाँ पे 41,500 के ऊपर अगर हमें मार्केट निकलता हुआ दिखता है, निफ्टी बैंक देखते निकलता है, तो ऊपर के तरफ क्या है ना, जितना यहाँ पर जितने पॉइंट्स यहाँ पे मोर देन 600-700 पॉइंट्स का यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, तो यहीं पे हमें क्या है ऊपर के 600-700 पॉइंट्स के हमें यहाँ पे टारगेट देखने हुए यहाँ पर मिल सकते हैं। तो अगर लेट सपोज कि अगर मैं इसमें निफ्टी बैंक में हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे, ठीक है, हम लोग इसमें प्लान करेंगे तब जब हमें मार्केट यहाँ पे ये वाला बेस जो इंट्राडे लेवल का बेस है 41,200 के अगर नीचे आता हुआ दिखता है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्लान करेंगे। और लेट सपोज अगर गैप अप खुलता है 41,000 ऊपर के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग को 42,400 तक के यहाँ पे हमें एक जो न्यू हाई है वो हमें यहाँ पे प्लान होते हुए दिख सकते हैं, ठीक है, राइट। इसी के साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि टाटा मोटर्स में भी यहाँ पे क्या है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्या है रेंज कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, रेंज कंसोलिडेशन हो रहा है सेम एज यूजुअल जैसे निफ्टी 50 का था वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिट्टो एकदम हुबहू है। तो अगर यहाँ पे अगर टाटा मोटर्स यहाँ पे 415 के ऊपर निकलता है, ठीक है, 415 के ऊपर निकलता है तो हमें काफ़ी अच्छा देखने मिल सकता है। लेकिन हाँ, इसका लास्ट टू लास्ट अगर है तो 404 के नीचे हम इसको अगर नीचे आता है तो हम इसको पूरा सेल साइड या इसको हम अवॉइड करेंगे। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, एंड में काफी ज्यादा वॉल्यूम यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो एक ये है कि यहां पे एक शायद बाउंस देखने मिल सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट है, या तो हमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल भी देखने यहां पर मिल सकता है। तो राइट, एकदम। और इसी के साथ आप एक चीज और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी किंग को फॉलो कर सकते हैं और मेक श्योर कि ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पर आइए, फेक चैनल से बच कर रहिए, जिसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे वहां पर मिल जाएगा, राइट। तो चलिए, इसी के साथ आज का दिन कैसा गया मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए, और फिर ऐसे ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग कल मिलते हैं।